नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए आज बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल आज अपना नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसी सिलसिले में कोंटा से विधायक, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच के साथ शुभ मुहूर्त में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। बस्तर की सीट कांग्रेस जीत रही है। इसके अलावा 11 लोकसभा क्षेत्र में हम जाकर प्रत्याशियों का नामांकन भी भरवाएंगे और सभी सीटों पर जीतने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस दौरान कहा कि महेश कश्यप से कोई प्रभाव पड़ने वाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव का यहाँ कोई सगा नहीं है, इसलिए उनकी बस्तर में मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस्तर के लोग कवासी को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं और कांग्रेस पार्टी बस्तर से जीत रही है। कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रत्याशी माननीय कवासी लखमा जी का नामांकन हुआ है और हमारे साथ हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज सेक्रेटरी सप्तगिरी उल्का जी और हमारे प्रत्याशी और लकेश्वर बघेल जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज नामांकन हुआ है। निश्चित रूप से चुनावी आगाज मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बस्तर लोकसभा जीतेंगे। बस्तर के अलावा 11 लोकसभा सीटें। बिल्कुल बिल्कुल, आज शुरुआत फर्स्ट फेज है, बस्तर से शुरुआत हुई है और हम लोग चाहेंगे कि लगभग सभी सीटों में नामांकन में जाएं और पूरे 11 सीटों में मजबूती से दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने सीटें जीत रहे हैं? हमने शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग इस समय छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी से हम कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का सुरक्षा मांग ली है, हम लोग भी जल्द मांगने वाले हैं, लेकिन यह माहौल तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग लगातार कहे कि सावधानी बरत के पार्टी के लिए काम करना। दीपक जी बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, 3 प्रत्याशी चुने हैं, योग्य है, योग्य उम्मीदवार है, जिताओ उम्मीदवार है, तो क्या हुआ, पार्टी ने निर्णय किया लड़ाने का, लड़ रहे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारा प्रभारी विकास साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी, मैं हमेशा कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बधाई और हमारा बड़े नेता लोगों को बधाई, और आने वाला चुनाव में छत्तीसगढ़ में बस्तर में पहला पेश में होगा। इस समय कांग्रेस पार्टी जीतेगा क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार है, बस्तर को पेशा किया है, बस्तर को पीर हुई तरह में आ रहा है, लोग पलन कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, लोगों को पुकट जेल भेजवा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा होगा, बैलाडीला का बड़ा मुद्दा होगा, तुम्हारा नगरनार का बड़ा मुद्दा होगा, ये प्राइवेट बेचा जा रहा है, लोग पलन कर रहे हैं, उनको रोकने की कोई योजना नहीं है, काम नहीं है, ये बड़ा मुद्दा करेंगे। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।